प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 2025 में होना है। यह पर्व 13 जनवरी से 24 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। बता दें कि यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और विश्व में सबसे बड़े मानव समागमों में से एक है, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। IPS राजेश द्विवेदी को महाकुंभ सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने माघ मेले का भी सफल आयोजन कराया था। इन्हीं अनुभवों को देखते हुए उन्हें महाकुंभ का सफल आयोजन का जिम्मा सौंपा गया है। महाकुंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर SSP राजेश द्विवेदी ने कहा, हम महाकुंभ के लिए योजना चरण में हैं और हम श्रद्धालुओं की सुरक्षित शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पिछले अनुभवों से सीख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा, CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। ये महाकुंभ जो विगत कुंभ हुआ था 2019 में, उससे काफी वृहद रहेगा। साथ ही साथ महाकुंभ होने की वजह से बहुत सारे संगठन, बहुत सारे धर्मगुरु वही आते हैं जो कुंभ में नहीं आते हैं, इससे इसकी प्रतिष्ठा और इसके जो जनसंख्या है उसमें भारी वृद्धि होती है। अभी तो हम लोग तैयारी के स्टेज में हैं और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, जो कि जो हम आगे चैलेंजेस हैं हमारे पास, जो फोर्स आएगा, जो ट्रैफिक प्लान होगा, जो सिक्योरिटी प्लान होगा, उसको कैसे किया जाएगा, उसकी तैयारियों में हैं हम लोग। तो एक छोटा सा हमारे पास पुलिस बल है मौजूद, बट प्लानिंग स्टेजेस में हम हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विगत कुंभ से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके दृष्टिगत कुछ चेंजेस भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक सुरक्षित और साथ ही सुगम यात्रा और स्नान मिले। तो इसी की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं।